स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार न्यू इंडियन एरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं जय सिंह मौर्य। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो बड़ी शानदार हुई है, अब चलिए काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अब आप सोच रहे होंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर अलग से लेक्चर आ रहा है तो क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब आप टेक्स्ट बुक को सॉल्व करोगे ना तो देखोगे कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो सिर्फ परसेंटेज, कंपोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला के भरे हुए हैं, क्योंकि ये अपने आप में न्यूमेरिकल्स को, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को समा लेते हैं। तो स्वागत करते हैं इस सेशन में आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि पिछला लेक्चर जो आपने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा है वो समझ में आया होगा, क्योंकि वो समझ में आएगा तो फीलिंग बहुत अच्छे से आने वाली है। और जिनको नहीं समझ में आया है फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेसिक से पढ़ाता चलूं ताकि आपको समझ में आता जाए। यदि किसी को इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में थोड़ी सी भी तकलीफ होगी, थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा या डाउट आएगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। और डाउट पूछते समय टाइम या टॉपिक मेंशन भी कीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं लेक्चर। एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या जानेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला। एक्चुअली में मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है तो यहां पे मैं डिफिनीशन नहीं लिखूंगा बल्कि कुछ एग्जैक्ट जानकारी लिखूंगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं एग्जैक्टली और कौन कौन से एटम हैं, ये किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला से। तो मोलिकुलर फॉर्मूला एक मीडियम है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स को रिप्रेजेंट करने का। क्या करने का? एटम्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिर्फ माध्यम है, ठीक है। बात सुन रही? जैसे मैं लिखूं क्या लिखना चाहूंगा, जैसे मैं लिखूं H2SO4 का मोलिकुलर फॉर्मूला, तो H2SO4 का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया? H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कोई आपसे बोले कि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला, ध्यान समझिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2SO4। ये H2SO4 से रिप्रेजेंट कर रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितने? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किसी ने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा HCl, और HCl एक मोलिकुलर फॉर्मूला है जो कि बतला रहा है कि उसमें हाइड्रोजन के 1 मोल, क्लोरीन के 1 मोल प्रेजेंट हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? यही तो बात कर रहा था, ठीक है। अब आपने कहा कि पढ़ना तो अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमने कहा हाँ पढ़ना तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, बट किसी के बारे में जानना हो तो उनके दादा बाबा या पापा, ये पापा के पापा सभी के बारे में जानना जरूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि उनकी पीढ़ी क्या कर रही थी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, अगर कोई मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो वो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। ध्यान देखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं मोलिकुलर फॉर्मूला और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और यहां पे एन लिख रहा हूं, एन क्या होगा? जो रेशियो कॉमन लोगे। क्या लोगे? जो रेशियो
कॉमन रेशियो में लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि क्या बात की जा रही है। ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा HCl, HCl का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, HCl होगा, और यहां पे कॉमन क्या लिया हमने, मान ले रहा हूं कि एक कॉमन लिया है, एक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। हमने लिखा बेंजीन C6H6, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन नाम होता है, क्या नाम होता है, बेंजीन नाम होता है। जैसे ही हमने लिखा C6H6, इसका सिंपलेस्ट रेशियो जब लोगे, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोलकुलर फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे CH आएगा, यहां पे क्या आएगा, CH आएगा, और N की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ये 6 क्या बतला रही है, मोलकुलर फॉर्मूले में हमने कॉमन लिया है कितने का, 6 का, कितने का कॉमन लिया है, 6 का कॉमन लिया है, और 6 कॉमन लेने के बाद हमको निकल के एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिला है, CH मिला है, क्या मिला है, CH मिला है। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक। मैंने लिखा C2H4, अभी पढ़ेंगे क्या एथिलीन है, बट ठीक है, अपने को लेना देना नहीं, अपने को नाम से थोड़ी मतलब है। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, दो कॉमन ले सकते हैं, हाँ दो कॉमन ले सकते हैं, दो दोनों में कॉमन आएगा, तो लिखूंगा मैं क्या, CH2, क्या लिखूंगा, CH2, और CH2 तो कॉमन कितना लिया, दो लिया, कॉमन कितना लिया, दो लिया। इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, C3H6, क्या लिया, C3H6 लिखा, C3H6 में कॉमन क्या आ सकता, तीन आ सकता है, तो लिखूंगा CH2, क्या लिखूंगा, CH2 लिखूंगा, और CH2 लिखूंगा तो कॉमन कितना लिया है, तीन लिया है, कितना कॉमन लिया है, तीन लिया है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा H2SO4, ध्यान समझो, अब H2SO4 में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वही रहेगा, वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो उसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला वही रहेगा, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे मैं लिखा C3H3PO4, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, H3PO4 रहेगा। क्यों, अरे भाई कोई चीज कॉमन नहीं आ रही ना, एक में तीन है, एक में एक, एक में चार है, कॉमन के लिए वो चीज सब में कॉमन आनी चाहिए ना, दो कॉमन नहीं आएगा। ऐसे मैं लिख लूं H2SO8 लिख लिया, तो देखिएगा मार्शल एसिड है, छोड़ो, H2S2O8, तो कॉमन क्या आएगा, चार कॉमन आएगा, तो क्या लिखोगे, HSO4, और N की वैल्यू में क्या लिखोगे, चार, कितना लिखोगे, चार, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, क्लियर है। अब वीडियो में कमेंट करना तुम कि सर हमको तो नोट्स दे दो, क्योंकि हम तो कामचोर हैं, हम तो लिखेंगे नहीं, हम तो नोट्स बनाएंगे नहीं। अरे सुन लो नालायकों, नोट्स नहीं बनाओगे, हम कितना भी प्रिंट करके तुमको दे देंगे, कोई मतलब नहीं है, सब रद्दी है। जब तक तुम खुद से नहीं लिखोगे, खुद का नोट्स नहीं बनाओगे, खुद से पढ़ के नहीं लिखोगे, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आप टॉपर का ही क्यों ना नोट्स रखो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आ रही है बात, आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर समझ में आ गया। रिलेशन समझते हैं क्या है, तो आप कहोगे सर ये जो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है वो मोलकुलर फॉर्मूले में एन का मल्टीप्लाई करके आता है। ये जो मोलकुलर फॉर्मूला होता है वो इंपीरिकल फॉर्मूले में एन का मल्टीप्लाई करके आता है। तो तुमने कहा ये बात समझ में आई, हमने कहा ये बात समझ में आई। तो एन की वैल्यू अगर निकालना हो तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर एन पता तो ठीक है, एन नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, देखना। मोलकुलर मास ऑफ मोलकुलर फॉर्मूला, मोलकुलर मास ऑफ मोलकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाई
मोलकुलर मास, सॉरी मोलकुलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तुमने कहा मतलब? हमने कहा सुनो, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलकुलर फॉर्मूला का मोलकुलर मास देगा, क्या देगा? मोलकुलर मास देगा और तुम्हें एन निकालना होगा। तुमने कहा सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन मोलकुलर फॉर्मूला है कौन एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो सुनो, अगर दे रखा है तो ठीक है, बता रखा है तो ठीक है, नहीं बता रखा है तो हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, कि जो ज्यादा है, जो बड़ा है वो क्या है? मोलकुलर फॉर्मूला है। जो छोटा है, जो छोटा है वो क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है। वो क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्लियर है बात? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना, मजा आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो एन की वैल्यू क्या याद रखोगे? मोलकुलर फॉर्मूला का मोलकुलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला का मोलकुलर मास, ये मैं लिख दे रहा हूं हिंट के लिए। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चल एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। मोलकुलर मास ऑफ मोलकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 32, ठीक है, एंड मोलकुलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज कितना? 16। इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ए बी, देन फाइन मोलकुलर फॉर्मूला। तुमने कहा सर निकल गई हवा, निकल गई, कैसे करेंगे? सुनो 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 सुनो, सबसे पहले एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। तो हमने कहा एन कैसे निकालोगे? क्या दो डेटा दे रखा है? तुमने कहा सर पता नहीं क्या क्या दे रखा, लेकिन एक 32 दे रखा, एक 16। हमने कहा बड़े में छोटे का भाग लगा दो। तुमने कहा सर कुछ भी? हाँ कुछ भी, अरे यही तो समझा रहा था। बड़े में किसका भाग लगा दो मेरे दोस्त? छोटे का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो? छोटे का भाग लगा दो। क्यों? अरे एम्पिरिकल फॉर्मूला छोटे ना होगा, मोलकुलर फॉर्मूला से तो छोटे ना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। होगा कि नहीं होगा? तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 2 आ गई। तुमने कहा सर बस बस अब तो आंसर आ गया। क्यों आ गया? देखो मोलकुलर फॉर्मूला जो होगा वो एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, और एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 गुड़े ए बी, 2 गुड़े ए बी, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 2ab। ना 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 ना, मोलकुलर फॉर्मूला बुरा मान जाएगा। वो कहता है मेरे मोलों को मेरे पैरों में रख के दिखाओ, मतलब कदमों में डालो। तो कदमों में कैसे डालोगे? a2 b2। कैसे? a2 b2 इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? a2 b2। अरे बात समझ में आ रही है? क्लियर है? थोड़ा बहुत आइडिया लगा, मजा आ रहा है? शानदार टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है। आइए बढ़ते हैं। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं? यहां पे ध्यान से सुनिएगा, दो मेथड है। एक तो बुक के अकॉर्डिंग कर लो, एक तो मेरे अकॉर्डिंग कर लो। तो मैं जो बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग कर लो, बुक के अकॉर्डिंग मैं जब टेक्स्ट बुक करवाऊंगा सॉल्व, तो मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। ठीक है? ठीक ठीक। सबसे पहले ना आपको लाइन खींचना है। तुमने कहा लाइन? हाँ लाइन खींचना है। लाइन खींच लिया। पहली लाइन में एलिमेंट्स को रखना है। किसमें? एलिमेंट्स को रखना है। ठीक है? दूसरे में
उनकी परसेंटेज रखना है, उनका वेट रखना है, उनका रेशियो रखना है। तुमने कहा सर तीनों हमारी बुक में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। अरे तो अपन है ना, अपन इसीलिए है कि तुमको बताने के लिए कि क्या क्या दे सकता है क्वेश्चन में, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों ट्वेल्थ पास करोगे, अरे इलेवंथ पास करोगे, इलेवंथ के बाद ट्वेल्थ पास करोगे तो क्या बोर्ड तक ही सीमित रहोगे क्या, भविष्य में कुछ करोगे नहीं क्या? क्यों, अरे करेंगे ना हम, डॉक्टर इंजीनियर कुछ तो बनेंगे, नीट रही की तैयारी करेंगे, अरे कुछ ना कुछ करेंगे ना, क्योंकि जीवन को ऐसे थोड़ी ना व्यर्थ करना है। जाएगा वही जो हमारे अच्छे कर्म होंगे और हमारे साथ जो नाम जुड़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर एक्स वाई जेड जो भी जुड़ेगा। बात समझ आ रही है? होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता ना, आप मान लो आप डॉक्टर बन गए हो, ठीक है, आप डॉक्टर बन गए हो और आप बुजुर्ग हो गए हो, और आप बुजुर्ग हो गए हो तो किसी ना किसी दिन गुजरोगे ही। जब गुजर जाओगे तो गुजर जाने के बाद लोग कहेंगे अरे डॉक्टर साहब कितने अच्छे आदमी थे भाई, बहुत अच्छे आदमी थे। क्यों, तुम्हारी चर्चा नहीं हो रही है वहां पे, डॉक्टर की चर्चा हो रही है, मतलब तुम्हारे प्रोफेशन की चर्चा हो रही है, तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हें डिसाइड कर रहा कि तुम अच्छे थे कि नहीं थे, ठीक है ना। तो तुम्हारी चर्चा नहीं हो रही कि तुम बहुत अच्छे थे, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, इंजीनियर साहब बहुत अच्छे थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मान लो कुछ ना किए, कुछ नहीं करोगे तो किसी ना किसी समय पे तो वृद्ध होके मरोगे ही, जब मरोगे तो लोग कहेंगे कि दादा बहुत अच्छे आदमी थे, सुरती बहुत बढ़िया बनाते थे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कुछ नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना गांव में, तो पढ़ लिख लो। पढ़ लिखने के बाद मजा अलग रहेगा जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ जियोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो डॉक्टर लगाना है कि सुरती वाला बनना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं मान ले रहा हूं मैं मान ले रहा हूं कि कार्बन 60% है, हाइड्रोजन 8% है और ऑक्सीजन 32% है किसी एक कंपाउंड में इतना कोने थोड़ी लिखने की जरूरत, डर है क्या किसी की? कार्बन देखो इधर देखो, कार्बन 60%, हाइड्रोजन 8%, ऑक्सीजन 32% किसी एक कंपाउंड में है। एक कंपाउंड है जिसमें, अब तुमने कहा सर ये बाई मोल है कि बाई मास, अरे परसेंटेज देगा तो बाई मास ही मान के चलेंगे जब तक वो नहीं बोलेगा, तो बाई मास दे रखा तुमने कहा, हाँ बाई मास दे रखा है तो सर हम एटम बता लेंगे, बस वही एटम है तो बताना है, अरे एटम ने बताना है तभी तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। शुरू करें, तुमने कहा डेटा दे रखा, हमने कहा डेटा ऐसे ही देगा हर क्वेश्चन में, तो क्या करना है, पहले में एलिमेंट लिखना है, दूसरे में परसेंटेज देगा तो परसेंटेज, वेट देगा तो वेट, रेशियो देगा तो रेशियो, उसके बाद क्या निकालना है, मान लो परसेंटेज दे रखा है, इस परसेंटेज में भाग लगा देना है एटॉमिक मास का, किसका, एटॉमिक मास का, मतलब ये एक्चुअली में क्या है, मोल है, ये क्या है, मोल है, परसेंटेज में भाग लगा देना है एटॉमिक मास का, तो यहां पे क्या आएगा, मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा लिख देंगे, क्या आएगा, आ जाएगा तो लिख देंगे, और यहां निकाल लेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो, क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। तुमने कहा नहीं समझ पा रहे हैं, समझो, वाच करो, दो तीन बार देखो, समझ में आएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डेटा गिवन है मेरे दोस्त, कितना गिवन है, 60% लिख दो, 8% लिख दो, 32% लिख दो, अरे भाई इसमें कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं अपन, जो डेटा गिवन है वही लिख रहे हैं 32। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो यहां भाग लगाऊंगा 60/12, क्या करूंगा, 60/12 करूंगा, और यहां पे करूंगा 8/1 करूंगा, क्या करूंगा, 8/1 करूंगा, और यहां पे 32/16 करूंगा, क्या करूंगा, 32/16 करूंगा। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में बोल रहा है कि ऑक्सीजन का मास 16 लो, हाइड्रोजन का मास 1.008 लो, तो आपकी इच्छा है आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन मैं नहीं लूंगा। क्यों, मुझे कैलकुलेशन अपनी खराब
नहीं करनी है। जैसे ही मैं 1.008 लिखूंगा, काटने में पसीने निकल जाएंगे, समझ रहे हैं? तो मैं उसकी तरफ नहीं भागूंगा। आपको करना तो कर लीजिए, काटिए जरा। 5 आया, 8 आया, 2 आया। 5, 8, 2 का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, सबसे सरलतम रूप होगा, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा, वो क्या हो जाएगा? 5, 8, 2 ही होगा। 5, 8, 2 ही होगा। ना इनमें कोई कॉमन आ रहा है, ना ही इनमें कोसे कोई डेसिमल में आ रहा है, एक न्यूमेरिक डिजिट में है, सिंपलेस्ट डिजिट में है। तो क्या हो जाएगा? 5, 8, 2 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, और बहुत ही जबरदस्त मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। ये इतना सिंपल मेथड है कि हर एक क्वेश्चन में क्या कर देगा? एकदम सिंपल बना देगा, हर एक क्वेश्चन को सिंपल बना देगा। अरे बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 48% है, ठीक है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 42% है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है दोस्त। तो आप खुद ही बताओ कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो उन्हें कहा सर हमने तो लाइन बनाएंगे। हाँ लाइन बनाओ, मना कोई थोड़ी ना किया है। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन कितना परसेंट है? 48। हाइड्रोजन कितना है? 10 है। नाइट्रोजन कितना है? 42 है। क्या यह समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? अरे भाई जेई नीट बोर्ड सीटी जितना एग्जाम दोगे ना सब क्लियर होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? पढ़ते हैं बच्चे। 48/12, 10/1, ठीक, 42/14, क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है ना? आएगा क्या? 4 आएगा, 10 आएगा, और यहां से आएगा 3। क्या आएगा? 3। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ठीक है, क्लियर है? अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। जो सबसे छोटा होगा ना उससे सब में भाग दे दो। देखो 4/3 कर दो, 10/3 कर दो, और नहीं नहीं कोई कोई गड़बड़ी तो हुई है डेटा में। कोई गड़बड़ी तो हुई है डेटा में। 3 है, 3/3, ठीक है। झूठे परेशान हो रहे हैं क्यों? अरे भाई 4, 10, 3 में कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई डेसिमल में नहीं आ रहा, तो परेशान क्यों होना है? क्यों परेशान होना भाई? क्यों हम चाहेंगे सिंपलेस्ट रेशियो निकालें? तो कार्बन क्या हो जाएगा? C4H10N3। क्या हो जाएगा? C4H10N3 हो जाएगा, C4H10N3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? आई? आई ना? चले आगे बढ़े, ठीक। एक जबरदस्त क्वेश्चन और आएगा आपके सामने, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 53%। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। तुमने कहा देखो लाइन तो हम खींचते जाएंगे, हमारा काम ही लाइन खींचना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 40 है तो 40 लिखा, 7 है तो 7 लिखा, ऑक्सीजन 53 है तो 3 लिखा। तुमने 40 में भाग किया 12 का, 7 में भाग किया 1 का, 53 में भाग किया 16 का। तो जरा देखो कैलकुलेशन करके, भाग करने पे कितना आएगा? कितना आएगा? अरे बोलो ना कितना आएगा? 12 चौक 36, 12 चौक 48 आएगा,
चालीस भागे बारह, बारह तीन छत्तीस, बारह चौक अड़तालीस, 3.25 लगभग आएगा, 3.25, ये आएगा 7 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 5, 16 तिया 48, ठीक है, 3 आएगा। अब ये अपना आंसर नहीं हो सकता फाइनल, क्यों? क्योंकि डेसिमल में, यही तो समझाना है, ये डेसिमल में छोटा कौन है, 3.25 डिवाइडेड बाई 3.25, 7 डिवाइडेड बाई 3.25, 3.33 डिवाइडेड बाई 3.25, और इसको जब लिखोगे तो ये आएगा लगभग में 1, ये लगभग में 2, ये लगभग में 1। अब आपने कहा कि ऐसा कौन सा मैथ लगाया है जिसमें 3.33 डिवाइडेड बाई 3.25 किया, 1 आ गया। अब सुनो, ये मैथ नहीं, ये केमिस्ट्री है, और यहां पे अप्रोक्सीमेशन वर्ड एक चलता है, और वो कहता है कि कभी भी एटम को ना तुम 1.002 एटम नहीं लिखोगे या 1.3 एटम नहीं लिखोगे, अगर 1.2 आ रहा है, 1.1 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन रूल क्या कहता है कि तुम उसे एक मानोगे, क्या मानोगे, एक मानोगे। अब समझ में आया कौन सी मैथ लगाई थी, क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, क्लियर है ना? चले आगे बढ़े, ठीक, 84, ठीक। क्वेश्चन है, इन ए हाइड्रोकार्बन, इन ए हाइड्रोकार्बन, कार्बन इज इक्वल टू 85.7% एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 84, कितना 84, 78 की 84, बारह छिक 72 और 12 84, ठीक। क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, याद थोड़ी ना है, अरे सेट करेंगे तभी ना देंगे, 84 देन फाइन फॉर्मूला, देन फाइन फॉर्मूला। सबसे पहले क्या निकालोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे, सब कुछ भूल जाओ। तुमने कहा सर डब्बा बना ले, हमने कहा बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है 85.7, अरे ये तो भूल ही गए, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में 85.7% अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन का परसेंट हुआ भैया, सोचो जरा, अरे भैया 100 में से घटाओगे तो क्या 14.3% आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, आएगा ना। जब 85.7 में भाग लगाओगे 12 का और 14.3 में भाग लगाओगे 1 का, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौ 48, 12 पचास, 12 चौ 72, 12 सत्तर 84, क्या आएगा, 12 सत्तर 84, ये आएगा 7.15, 15 या 16 आएगा, जो भी आएगा 7.16 या 15 आएगा, 7.14 आएगा, 7.14 आएगा, ठीक है, यहां 14.3 आएगा। अभी अपना आंसर नहीं हो सकता तो 7.14 से भाग करेंगे दोनों में, क्यों, जो छोटा होता है उसी से भाग करते हैं दोनों में, तो आपने कहा ये 1 आएगा और ये लगभग 2 आएगा, ये लगभग 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2, क्या हो जाएगा CH2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मोलिकुलर मास होगा, ये मोलिकुलर मास आप हाइड्रोकार्बन 84 दे रखा है, इसका थोड़ी ना दे रखा है, इसका निकालोगे ना, इसका कैसे निकालोगे, क्या हो जाएगा, कार्बन 12 हाइड्रोजन 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। अब समझो जरा, इसी पेज पे लिख देते हैं, एन निकालना है, एन निकालोगे कैसे, बड़े में से छोटे का भाग लगा दो, यही ना बोला था,
और 84/14 करोगे आराम से इत्मीनान से सोच लो समझ लो क्या यही बोला था, अरे क्या यही बोला था कि नहीं बोला था, तो n इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। और जैसे ही n इक्वल टू 6 आया मेरे भाई, क्या मोलकुलर फॉर्मूला बराबर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं देखो जरा, 6 × CH2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा C6H12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C6H12 हो जाएगा, और यही आंसर है अपना C6H12 का आंसर है का C6H12। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए, प्रोसेस समझ रहे हैं आप? अरे बात समझ में आ रही है? अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, चलो आगे बढ़े। ठीक, एक क्वेश्चन है, इन ए हाइड्रोकार्बन कार्बन इज इक्वल टू 80% इफ मोलकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू 30 देन फाइंड हाइड्रोकार्बन का मोलकुलर फॉर्मूला। तुमने कहा देखो, तुमने कहा बहुत सिंपल है, कैसे सिंपल है देखो, तुमने लाइन बनाई कार्बन की और हाइड्रोजन की, कार्बन लिखा 80% तो हाइड्रोजन हो गया 20, 80/12 करोगे 20/1 करोगे, जैसे लिखोगे 12 × 72 12 × 72 उसके बाद कितना बचा 8, फिर लिखोगे 12 × 72 कितना बचा 8, फिर लिखोगे 12 × 72 बस रहने दें। ठीक है, ये आएगा 20। सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो 6.66 में 6.66 से भाग कर दो, यहां पे 20/6.66 में भाग कर दो, यहां पे 1 आएगा, ये आएगा 3, तो अरे समझे कि नहीं समझे, समझे ना, इधर देखो, तो क्या आया एम्पिरिकल फॉर्मूला आया क्या मेरे भाई CH3, क्या आया CH3, इसका मोलिकुलर मास कितना है 12 × 3 = 15, इसका कितना है 15 है, कितना है 15 है। अब सुनो, n निकालोगे तो n कैसे निकलेगा, n आएगा क्या बड़े में से छोटे का भाग लगा दो, बड़े में से छोटे का भाग लगा दो, 30 में 15 का भाग लगाया तो n की वैल्यू आई 2, क्या आई 2 आई, तो यहां से मोलिकुलर फॉर्मूला जो होगा हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा 2 × CH3 हो जाएगा, और जिसे हम C2H6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई C2H6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे C2H6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे C2H6 लिखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। चल अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जैसे ही आप बाहरी कोई भी साइड बुक सॉल्व करते हैं तो एक टर्म आता है वेपर डेंसिटी, क्या आता है वेपर डेंसिटी, और ये सिर्फ गैस के लिए यूज करेगा, ओनली गैस, कैसे मोलकुलर वेट में और वेपर डेंसिटी में रिलेशन होता है। मैं वेपर डेंसिटी का टॉपिक यहां नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हां अगर बीच में कहीं भी बात किया जिक्र किया आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो मोलकुलर वेट होता है, ध्यान समझिएगा, जो मोलकुलर वेट होता है वो वेपर डेंसिटी का 2 गुना होता है, किसका वेपर डेंसिटी का 2 गुना होता है, बस इतना सा याद रखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है क्वेश्चन में मोलकुलर वेट की जगह आपको वेपर डेंसिटी दे देगा, और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको सर पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी से हम परिचित हो चुके हैं। क्लियर है बात? अरे मजे में, ठीक है मजे में हो तो फिर ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है X 40% है, एक कंपाउंड है एक्स वाई से मिलके बना है, X 40% है वाई 60% है, ठीक है, डेटा दे रखा है एटॉमिक वेट ऑफ, ये मैं चुन के लाया था कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा लेबल का क्वेश्चन करवाऊंगा, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स कितना दे रखा है 30 दे रखा है, ये दे रखा 30, और एटॉमिक वेट ऑफ
वाई कितना दे रखा मेरे दोस्त, 20 दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 दे रखा। पूछा देन मोलकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, देन कंपाउंड इज, बस यही बताना है कि कंपाउंड कौन सा। सुनो, लाइन खींच लो, खींच लिया, एक जगह एक्स लिख दो, एक जगह वाई लिख दो। 40% है, ठीक है, 60% है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना, नहीं। अरे सर क्या बात, 40/30 कर दो, कर दो क्या, 60/20 कर दो, कर दोगे क्या, यहां से 4/3 आएगा क्या, यहां से 3 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और जब इसका, इसको क्या 1.33 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1.33 में 1.33 का भाग लगाइएगा तो कितना आएगा। अरे भाई मेरे क्या आएगा, 1.33 1/3 1.33, ठीक है, 1.33 में भाग लगा दिया और 3 में 1.33 का भाग लगा दिया तो 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा 1/4। नहीं देखो 3/3, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 3/1.33 करोगे तो ये आएगा कितना, 3 में से 1.3 का गुणा करोगे तो 0.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे भाई कितना आएगा, 4/9। देखो देखो यहां पे दूसरा गेम करते हैं। अब जब रेशियो निकालना ही है तो रेशियो कैसे निकालोगे, देखो क्या 4:9 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। तुमने कहा सर बराबर कर दे, हमने कहा दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुमने कहा ये चीटिंग है, अरे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 का 4/3 × 3 कर दो और 3 × 3 कर दो, क्यों। अरे क्यों मेरे भाई, क्यों करोगे ना, अभी बताता हूं क्यों। यहां से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 9, ठीक है, तो हो जाएगा x4 y9। तुमने कहा सर ना करते तो, ना करते तो तुम ऐसे लिखते, कैसे, x4/3 y3 लिखते कि नहीं लिखते, ऐसे लिखते ना, लेकिन आपका ईमान, आपका रूल, डाल्टन भाई साहब क्या कहते थे कि नहीं भैया तुम यहां यार ऐसे मत लिखो, ये ऐसे लिखने का मतलब है एटम को तुमने फर्दर डिवाइड कर दिया है, और एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता मेरे लाल, क्या होगा, नहीं होगा, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो 4/3 में 3 तो कट जाता तो x4 हो जाता, लेकिन ये y9 हो जाता। समझ में आया, मजे में, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है, आगे बढ़ें, ओके। चलिए चल ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 14:16 इन 17:16 इन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना दे रखा है, 7:16 दे रखा है। तो कह रहा है कि बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। तुमने कहा सर ये तो थोड़ा सा मजाक हो गया, अभी तक हम परसेंटेज कर रहे थे, अब आपने ये रेशियो दे दिया तो हम क्या करेंगे। तो सुनो 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 मेरे यारो मेरी कहानी। यही तो है, कैसे कैसे सुनोगे, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जहां परसेंटेज था वहां क्या लिख दोगे मेरे दोस्त, रेशियो लिख दोगे, क्या लिख दोगे, रेशियो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7/14 कर लो
और 16x16 कर लो, यहां पे 0.5 आएगा, यहां पे 1 आएगा, और देखोगे रेशियो 0.5 में 0.5 का, अरे वैसे भी दिख रहा 1:2 है ना, तो 1/0.5 करोगे तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, तो क्या बनेगा NO2 बनेगा, क्या बनेगा NO2 बनेगा क्लियर है बात समझ में आ रही है, सब मजा में बस चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले तो प्रॉब्लम कर लें एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो आप बुरा मान जाओगे, मानोगे कि नहीं मानोगे, मानोगे ना, चल वैसे प्रॉब्लम मैं देखा नहीं हूं लेकिन ठीक है देख ले रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 2.9, कार्बन कितना है कंपाउंड, एक कार्बन है 24.27%, ठीक है, हाइड्रोजन है 4.07%, ठीक है क्लोरीन है 71.65%, ठीक है ठीक क्या निकालना है मेरे दोस्त, निकालना है क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, निकालना क्या निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, ऐसे थोड़ी ना करना है, देखो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन कितना 24.27, 4.07, 71.65, अब इसमें भाग करोगे 24.27 में भाग करोगे 12 का, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में 12.01 का भाग कर रखा है, इसका मतलब वो मान वो अभी भी पुराने पैटर्न में चल रहा है, अरे भैया पुराने पैटर्न पे काहे चल रहे हो, बच्चे एटॉमिक मास ऐसे थोड़ी ना याद करते हैं, वो तो 12, 1, 16, 15 ऐसे याद करते हैं ना, लेकिन ठीक है टेक्स्ट बुक वालों की मर्जी है तो मैं क्या करूं, 4.07 में भाग लगाइएगा 1.008 का या फिर एक का, एक 12, 1 कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 71.65 में भाग लगाइएगा 35.453 का रेशियो आएगा 4.04, यहां आएगा 4.04, 2.0225 और ये आएगा 2.021 देखोगे जब देखोगे दोस्त देखो जरा जब देखोगे तो 0.02 में भाग करा दो 2.02 का, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, सिर्फ दो डिजिट तक लिख रहा हूं, 4.04 में भाग लगा दो 2.02 का और 2.02 में भाग लगा दो 2.02 का, यहां से आ गया 1, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया C1H2Cl1, इनका रेशियो कितना है 1:2, 2:1 का रेशियो, किसका रेशियो है 1:2, 2:1 का रेशियो, अब टेक्स्ट बुक में कैसे दे रखा है, टेक्स्ट बुक में पहले मोल निकाला है तो मोल तो हमने भी निकाला है, अरे निकाला कि नहीं निकाला है, फिर उसने मोल का रेशियो लिया तो मोल का रेशियो हमने भी तो लिया है, अरे लिया कि नहीं लिया, हमने बस एक साथ कर दिया है, क्या किया है एक साथ कर दिया है ठीक है 2.9 हो गया आप 2.10 प्रॉब्लम नंबर 2.10 क्या जाएगा 2.10 कह रहा है ये कंपाउंड विथ मोलर मास 159 वाज फाउंड टू बी कंटेन कॉपर 39.62% है और बोल रहा है कि सल्फर जो है वो 20.13% है तो बाकी जो बच गया है वो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, अरे भाई तीन ही है कार्बन
कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन तीन है, तो बाकी जो बच गया वो ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट आएगा, 40.25%। ठीक है, आंख बंद करके सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, आंसर आ जाएगा CuSO 39.62, 20.13, 40.25। कॉपर का कितना दे रखा है 63 दे रखा है, कोई बात नहीं, 39.62 / 63 करेंगे, ऐसे 63.5 होता है, बट इसने भाग 63 का दे रखा, एग्जाम्पल में दे रखा, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल में दे रखा है, 20.13 में भाग करूंगा कितना 32 का, और 40.25 में भाग करूंगा किसका 16 का, तो देखिएगा 0.629 आएगा यहां से, 0.629 आएगा, और यहां से भी 0.629 आएगा, और यहां से आएगा क्या 2.5516। अब भाई कैलकुलेशन अगर मैं करने बैठ गया ना भैया, तो देखो तुम्हारा 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा, 5 से 7 में कैलकुलेटर है इसमें, लेकिन जब डेटा है अपने पास तो काहे का माथा पच्ची करना मेरे दोस्त, क्यों करना, नहीं करना ना, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो अब भाग कर दो 0.629 में, 0.629 का जो सबसे छोटा होता है, 0.629 में भाग कर दो 0.629 का, और 2.516 में भाग कर दो 0.629 का, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, ये 6 + 24 होता है, ये 4 आएगा, तो क्या हो गया Cu1S1O4, जिसे हम लिखेंगे CuSO4, क्या लिखेंगे CuSO4। ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है मेरे दोस्त, क्या आया है एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है, इसका जब आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा 63 + 32 + 64 = 98, 98 में 63 जोड़ोगे तो 159 आएगा, कितना आएगा 159। अब यहां से n निकालोगे तो 159/159, तो n बराबर 1 आ गया, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला बराबर क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बराबर क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। बस क्वेश्चन यहां पे 2.12 खत्म हुआ, 2.12 खत्म हुआ। हाँ, क्या आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो जो बच्चे ये टॉपिक देख रहे हैं आज ही टेक्स्ट बुक खोलिएगा, एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करिएगा, मेरे भरोसे रहिए, मैं करवाता हूं, करवाऊंगा नो डाउट, लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन का पिछले लेक्चर का और एम्पिरिकल फॉर्मूला का इस लेक्चर का आपको क्या करना, सारे क्वेश्चन कर लेना, क्या कर लेना है सारे क्वेश्चन कर लेना है, और इन सारे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा बात समझ में आ रही है, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाया है और आपने क्या पढ़ा है, बात समझ में आई, हमने क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो थैंक यू तो बोलना बनता ही है कि आप देख रहे हो, इतने देर से झेल रहे हो, ठीक है, तो आज कुछ भी नहीं, ठीक है, एकदम शांति से नए लेक्चर में मिलेंगे, तो कुछ सुनाएंगे आप लोगों को, ज्ञान की बातें ज्यादा हो चुकी हैं वैसे भी, तो उम्मीद करता हूं पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स लाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा और हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मस्त रहिए।